स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, नॉर्मली स्टेयर केस ऐसे चढ़ती है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, राइट को घूम जाती है। जो स्टेयर केस ऐसे चढ़ के ऐसे घूम गई, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सीधा जाके राइट, मतलब क्लॉकवाइज स्टेयर केस। वही जो स्टेयर केस इस तरीके से लेफ्ट को घूम जाती है, उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, यहां तक समझ आया कि क्लॉकवाइज स्टेयर कौन सी होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर कौन सी होती हैं। अब जो क्लॉकवाइज एक एक्टिविटी है, तो क्लॉकवाइज एक्टिविटी सप्रेशन की एक्टिविटी होती है। जैसे कि क्या आप लोगों ने स्क्रू ड्राइवर देखा है, जिससे हम पेच को कसते हैं, देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर में जैसे ही हमने उसको यहां पर स्क्रू के अंदर लगाया, हम उसको जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, वो सप्रेस होता है, नीचे की तरफ जाता है। और जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर आता है। तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना कि जहां पर भी क्लॉकवाइज स्टेयर होंगी, वहां पर एनर्जी सप्रेस हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डाउन। क्योंकि हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो वहां एनर्जी डाउन हो गई। जहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस होगी, तो एनर्जी एलिवेट हो जाएगी। एलिवेट, बढ़ने कम होने की हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, जोन बढ़ेगा या कम नहीं होगा। नॉर्मली एनर्जी या तो एलिवेट हो रही है या सप्रेस हो रही है। क्लियर यहां तक? तो हमारे पास कितने जोन्स हैं? 16 जोन्स। 16 जोन्स में तीन नेगेटिव जोन्स कौन से हैं? थ्री नेगेटिव जोन्स कौन कौन से हैं? अब तक तो याद हो गए होंगे। पहला ईस्ट, साउथ ईस्ट, दूसरा साउथ, साउथ वेस्ट, और तीसरा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे तीन नेगेटिव जोन्स हैं, ठीक। तो नेगेटिव जोन्स में हमें हमेशा एनर्जी को सप्रेस करके रखना है। सप्रेस यानी कि इन जोन्स में अगर स्टेयर केस आएगी, तो वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और अगर बाकी के जो 13 जोन बच गए, जो भी हैं, उन जोन में अगर स्टेयर केस आएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिमाग को आगे मत दौड़ाइए। आई कैन डू माइंड रीडिंग। कई लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, तीन जोन में आएंगी तो कैसे करेंगे, चार में आएंगी तो कैसे करेंगे। यहां तक क्लियर रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को तीन तीन चार चार बार पढ़कर आता है। अब चेक कैसे करेंगे कि स्टेयरकेस क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, किस जोन में आ रही है? क्योंकि स्टेयरकेस तो इतनी बड़ी होती है कि वो तो कई जोन के अंदर आती है। तो जब भी हम स्टेयरकेस को चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं उसका पहला स्टेप। पहला स्टेप, उसका पहला स्टेप, जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा, तो वो किस जोन में आ रहा है। बाकी स्टेयरकेस चाहे 5 जोन में चली जाए, कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि बाकी जो स्टेयरकेस है वो हवा में है। मेजर जो लोड है, जो मेजर पॉइंट है, वो पहले स्टेप पर आ रहा है, ठीक। अब आपके दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर अगर पहला स्टेप 2-3 जोन्स में कट रहा है, तो कैसे करेंगे, ठीक। तो अगर 2 जोन्स में कट रहा है पहला स्टेप, तो आप चेक करोगे कि मोर देन 50% कौन सा जोन ले रहा है। अगर वो पॉजिटिव जोन ले रहा है, तो वहां पर कौन सी स्टेयरकेस होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर नेगेटिव जोन ले रहा है, तो वहां पर क्लॉकवाइज। तो हमें चेक कहां से करना है, यहां से। अब ये फ्लोर है किसी व्यक्ति का, ठीक। यहां से उसकी स्टेयर केस स्टार्ट हो रही है, कहां
कहीं भी जा रही है, इधर जा रही है तो क्लॉकवाइज है, इधर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, हम पहला स्टेप चेक करेंगे कि उसके घर में जब हमने ग्रिडिंग करी तो पहला स्टेप किस जोन में आ रहा है। वो ग्रिडिंग के दौरान आपको पता लग जाएगा किस जोन में आ रहा है। अगर गलती से दो जोन कट रहे हैं तो आप देखेंगे मोर देन 50% जिस जोन में आ रहे विल कंसिडर स्टेयरकेस की एनर्जी उस जोन में। प्रॉपर 50-50 आ रहे तो उसके लिए हम डाउजिंग टेक्निक यूज करते हैं कि एक्चुअल में स्टेयरकेस कौन सी एनर्जी ले रही है। ठीक,